आइडिया दिया उन्होंने। टीचमेंट नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर है सभी विद्यार्थियों के लिए। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है और शिक्षा मंत्री है, इन्होंने सभी ने बड़ी मीटिंग करके अभी हाल ही में कॉन्फ्रेंस करके इन्होंने जो है यहाँ पर आपकी बात जो है साफ कर दी है। लाखों विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी। चलिए पूरी जानकारी बता देता हूँ। यह ट्विटर अकाउंट है भंवर सिंह भाटी, जो उच्च शिक्षा मंत्री है। कौन है? उच्च शिक्षा मंत्री। चलिए आपको इनकी पूरी जानकारी बताते हैं। इन्होंने यहाँ पर अभी हाल में रीट्वीट किया है, ये इनका अकाउंट है। इन्होंने नीचे चलिएगा, रीट्वीट किया है अभी हाल ही में। ये देखो यहाँ पर रीट्वीट कर रखा है भंवर सिंह भाटी। परिस्थितियों के अनुकूल होने पर होगी सेकेंड ईयर और प्रीवियस की परीक्षा। उच्च शिक्षा में 10 जुलाई से ऑनलाइन क्लास की शुरुआत। तो जो है क्लास की शुरुआत जो है कॉलेज परीक्षा की जो शुरुआत है यानी कि वो भी होगी, और साथ में जो क्लासें हैं वो 10 जुलाई से शुरू कर दी जाएगी। ये महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर इन्होंने दी है। साथ ही में इन्होंने और भी बड़ी अपडेटें दी है, चलिए पूरी आपको बताता हूँ। ये रही इन्होंने जो है यहाँ पर रिट्यूट कर रखा है। बड़ी खबर है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की, डिटेल के साथ समझा रखा है आपको, मैं भी डिटेल के साथ समझाऊँगा। जानकारी है प्रदेश के विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं पर फैसला, अंतिम फैसला आ चुका है। अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की होगी परीक्षा। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को 12वीं के अंक के आधार पर किया जाएगा प्रमोट। तो दोस्तों खुशखबरी आ चुकी है, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई हो, आप पास हो चुके हैं, बधाई के पात्र हो आप सभी। और क्या है, जुलाई में होगी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा। यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट, जुलाई माह में होगी अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा। इसी महीने में अंतिम सप्ताह तक जो है आपकी परीक्षा ले ली जाएगी, तैयारी में जुट जाइए। सितंबर माह में होगी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोविजनल किया जाएगा प्रमोट। तो इनको जो है इनकी जो है परीक्षा है द्वितीय वर्ष की, इनकी सितंबर में होगी या फिर 31 दिसंबर तक स्थिति सामान्य होने पर करवाई जा सकेगी परीक्षा। 31 दिसंबर तक आपकी कभी भी परीक्षा हो सकती है सेकंड ईयर वालों की, ठीक है। अभी आपको प्रोविजनल पास कर दिया जाएगा, परंतु आपकी 31 दिसंबर तक परीक्षा ली जाएगी। आपका पेपर ऑब्जेक्टिव विकल्प के आधार पर हो सकती है परीक्षा। परीक्षा की अवधि 3 घंटे की जगह अब 1.5 घंटा हो सकता है। एक ही दिन में 2 पेपर आयोजित करवाए लिए जाएंगे, यानी कि एक दिन में निपटारा कर लेंगे सब कुछ। एक दिन में 2-2 पेपर लेकर के आपका पेपर को जल्दी ख़त्म कर दिया जाएगा। निर्णय 50% सॉल्व करने की परमिशन होगी, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे तो आपको 50 ही क्वेश्चन करने हैं, 10 क्वेश्चन होंगे तो आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 50% क्वेश्चन आपको करने होंगे। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण बड़ा फैसला अभी हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी ने लिया है। इनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कोरोना वायरस को देखते हुए, अभी डेल्टा वायरस आ रहा है इसको देखते हुए इन्होंने यहाँ पर ये बड़े फैसले लिए हैं जो कि आप देख सकते हैं। और 10 जुलाई से ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की जाएगी, ये महत्वपूर्ण बड़ी बात भी सामने निकल के आई है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप बने रहिएगा स्टडी आईक्यू एकेडमी चैनल के साथ। आपकी परीक्षा किस स्थिति से होगी इसके बारे में जानकारी जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।